हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। त्योहारों का मौसम आ रहा है, त्योहार है तो मिठाइयाँ तो जरूर होंगी, और इस बार तो मिठाइयाँ बाहर से भी नहीं मंगा सकते हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलके मिठाइयाँ बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिठाइयाँ बनाना, और आज की रेसिपी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गो। आइए सबसे पहले सिरप बना लेते हैं। सिरप बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप पानी ले रही हूँ, शुगर ले रही हूँ 2 कप, केसर 3 से 4 स्ट्रैंड। अब आप इसको सिमर होने के लिए रखते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। 1 कप घी, सूजी 1 कप। इसको अच्छे से हमें भूनना है लो से मीडियम हीट पर। आप इसमें हीट ज्यादा नहीं रखें। हर किसी को गुरुद्वारे में मिलने वाला प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज जो हम हलवा बनाएंगे वो बिल्कुल ही गुरुद्वारे के हलवे जैसा होगा। धीरे धीरे हमारी जो सूजी है वो भुनने लगी है। अच्छे से आप इसका देखेंगे आप कलर चेंज होना। कलर आप उसका अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा डार्क हलवा नहीं बनाना है, तो आपको जिस स्टेज पे कलर अच्छा लगे उस स्टेज में आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पर किशमिश ले रही हूँ, बादाम कटे हुए, काजू। 1 मिनट के लिए हम सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ सूजी को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शुगर सिरप डालेंगे। एक बार में पूरा शुगर सिरप नहीं डालना है, पहले आप इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप डाल के उसको मिक्स कर लें, कवर करके रखें 3 से 4 मिनट के लिए। फिर आप एक बार ओपन करके देख लें और मिक्स कर लें। उसके बाद आप अब जो हमारे पास बचा हुआ शुगर सिरप था हम वो भी डाल देंगे इसमें। अभी आपको लग रहा होगा कि पानी ज्यादा हो गया, लेकिन जो सूजी है हमारी ये फूलेगी जब आप इसमें पानी डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखेंगे। और जब आप इसको पका रहे हो तब भी आपको गैस जो है वो मीडियम फ्लेम पर ही रखनी है। और ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, चलिए सर्व करते हैं।